कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 7वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त उद्धव जी के बीच का संवाद। भगवान श्री कृष्ण अब अपनी लीला समेटना चाह रहे हैं और उद्धव जी जो कि उनके प्रिय भक्त हैं वो उनके वियोग में जीना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया तो उद्धव जी ने कहा कि आप हमें उपदेश दीजिए। श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं और उद्धव जी के माध्यम से वास्तव में वो हम सबको ही बता रहे हैं सब कुछ। आपने सुना उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण प्राणी जो बनाया है वो है इंसान। सबके पास बुद्धि है पर इंसान के पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है। विवेक का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने भव बंधन को काट सकता है, ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, भगवान के बारे में प्रश्न कर सकता है, भगवान का अनुसंधान कर सकता है, उनकी प्राप्ति कर सकता है। और इसी बात को प्रमाणित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक कथा सुना रहे हैं। सच्ची कथा है, भगवान के वंश में ही जन्मे महाराज यदु, उन्होंने एक अवधूत को देखा, अवधूत ब्राह्मण जिनका नाम दत्तात्रेय था। देखा कि वो बहुत ही कम उम्र के थे और इधर उधर निर्भीक घूम रहे थे, भगवान में लगे हुए थे और बहुत ही सुंदर थे। तो उनको इस तरह से देख करके यदु जी ने बड़े प्रश्न पूछे कि आप तो बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ज्ञानी भी हैं, लेकिन देख रहा हूं कि आप सब चीज से विरक्त हैं। सुंदरता के कारण आप संसार का अच्छे से भोग भी कर सकते हैं, बहुत उत्तम ज्ञान भी आप में है, तो आपको किसी चीज की कभी कमी नहीं हो सकती, लेकिन तो भी आप सब कुछ त्याग करके और इतनी शांति से घूम रहे हैं, आप में इतनी शांति कैसे? तो दत्तात्रेय जी ने बताया यदु जी को कि भाई मैंने 24 गुरु किए और 24 गुरुओं से मैंने बहुत कुछ सीखा। 24 गुरु में से जो सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय जी ने धारण किए वो थी पृथ्वी। उन्होंने पृथ्वी से सीखा क्षमा गुण। पृथ्वी के ऊपर ना जाने कितने ही लोग अत्याचार करते हैं तो भी पृथ्वी कभी भी अपने आश्रितों का त्याग नहीं करती, है ना। धैर्य की शिक्षा कि हम अपना सद्मार्ग परित्याग कभी ना करें, चाहे कोई व्यक्ति हमारा विरोध क्यों ना करे। तो धैर्य की शिक्षा दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी से ही ली, तो पृथ्वी एक गुरु हो गई। दूसरा गुरु उनका था पर्वत। पर्वत से उन्होंने सीखा कि पर्वत जो है वो निर्झर, मणि रत्न आदि बहुत सारी चीजों का खान है, है ना। और ये बात समझ आ गई कि ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि वो किसी का हित कर सके, किसी को दिया जा सके। पर्वत ने ये सारी चीजें अपने प्रयोग के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखी हैं। तो पर्वत में जो झरने हैं, हम अगर देखें गंगा जी हैं चाहे जमुना जी हैं, पर्वत से ही उदित होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थल पर्वत ही है। तो पर्वत ने उनको अपने में समा के नहीं रखा, पर्वत ने छोड़ दिया।
ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो पर्वत से लोक कल्याण का गुण सीखा। और इसी तरीके से तीसरा जो गुरु दत्तात्रेय जी ने माना वो है वृक्ष। वृक्ष से भी शिक्षा ली। जिस प्रकार से पर्वत दूसरों का हित करते हैं, वैसे ही वृक्ष भी दूसरों का हित करते हैं। वो अपने फूल, अपने पुष्प, अपने फल, ये सब खुद नहीं खाते हैं या खुद ग्रहण नहीं करते हैं, वो दूसरों को बांट देते हैं। वृक्ष का एक और गुण है, और वो ये कि मानव अगर चाहे तो वृक्ष को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। वो उसके ऊपर जल डाल सकता है, कुछ भी करे, लेकिन वृक्ष कभी मना नहीं करते, हमेशा समर्थन ही करते हैं। इसी प्रकार से जो भक्ति योगी व्यक्ति है उसको भी धीर और स्थिर होना होगा। वृक्ष के निकट ये शिक्षा प्राप्त की गई। चौथी शिक्षा वायु के निकट प्राप्त की। वायु यानी प्राण वृत्ति। दो तरह की वायु है, एक प्राण वायु और दूसरी बाहरी वायु। प्राण वायु से सीखा गया कि प्राण मात्र रक्षा के लिए जितना आहार आवश्यक है, जिससे इंद्रिय आदि का सुख साधक रस की अपेक्षा ना रखी जाए, यानी कि हम अपनी इंद्रियों को स्वाद देने के लिए भोजन करें, ऐसा उचित नहीं है। तो जो मुनि हैं उनको ये जानना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं कि वो ये सोचें कि हम अपनी इंद्रियों को रस ना दें इसलिए आहार ही नहीं करेंगे, बहुत अल्प आहार करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, जरा सा। तो बोला गया कि अगर ऐसा करोगे तो भूख की ताड़ना से मन विकृत हो जाएगा और फिर ज्ञान जो है वो नाश हो जाएगा, ज्ञान भी बचेगा नहीं। यानी भूखा नहीं रहना है, शरीर की रक्षा के लिए जितना जरूरी है उतना आहार करना होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं हो कि शरीर की रक्षा के नाम पर हम बहुत ज्यादा चिकना या बहुत ज्यादा असंस्कृत खाना खाएं। जैसे कि हम जानते हैं आजकल लोग यही खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और भी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पर मैदे का बहुत इस्तेमाल होता है, मैदा बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है और असंस्कृत होता है। असंस्कृत कैसे? वो ताज़ा नहीं होता है। लोग ब्रेड खाते हैं तो वो ताज़ी चीज़ नहीं है, उस पर फंगस लगी हुई है, यानी उसको खमीर बनाया गया, उसको सड़ाया गया, फिर उसे एक रोटी की शक्ल दी गई, उसमें इतने सारे छेद हो गए उस सड़न से, तो उसको खाना मना है और उसको भगवान को भोग लगाना भी मना है। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि प्रतिदिन ये जो ब्रेड है वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है, हम प्रतिदिन उसे खाते हैं। ब्रेड एंड बटर, टोस्ट और भी ना जाने क्या क्या नाम, सैंडविच वगैरह बोल करके हम उन्हें खाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये असंस्कृत अन्न है, इसे ग्रहण नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा अन्न खाया गया तो फिर आलस आएगा और या फिर बेकार में बल जो है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा पुरुष का कि उसकी वाणी और उसका मन वो क्षुब्ध हो सकता है, उसकी वाणी में विकार आ सकता है या उसके मन में विकार आ सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई ऐसा अन्न खाएगा तो उसकी वाणी चंचल हो जाएगी, वो किसी को कुछ भी बोलता रहेगा और उसका मन भी चंचल हो जाएगा, भगवान के भजन में लगेगा नहीं। इसीलिए कहा गया कि जो असंस्कृत पदार्थ हैं, जिनको हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, है ना। तो अब आगे वायु का एक और गुण बता रहे हैं, वो वायु जो बाहर बहती है। अभी तक तो ये प्राण वायु की बात कही गई कि जिसकी रक्षा के लिए आहार खाना जरूरी है, तो अगर बहुत कम आहार करेंगे तो जीवन को धारण नहीं रख पाएंगे, भूख की वजह से मन लगेगा ही नहीं भजन में, और अगर बहुत ज्यादा खाएंगे या असंस्कृत भोजन खाएंगे तो मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियां ये सब चंचल हो उठेंगी, तो ये तो उचित नहीं है ना भक्त के लिए। और अब 40वें श्लोक में
हमारे दत्तात्रेय जी बता रहे हैं, विशेष वा विश न्य योगी नाना धर्मेशु सर्वतः गुण दोष व्यपेत आत्मा ना विषज्जेत वायुवत। कि यहाँ तक कि योगी भी ऐसी असंख्य भौतिक वस्तुओं से घिरा रहता है जिसमें अच्छे या बुरे गुण पाए जाते हैं, किंतु जिसने भौतिक अच्छाई और बुराई लांग ली है उसे भौतिक वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए भी उनमें फंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे वायु की तरह कार्य करना चाहिए। तो देखिए, वायु जो है वो हवा का बाहरी स्वरूप है। वायु जब झरनों के ऊपर से बहती है तो स्वच्छ जल की बूंदें अपने साथ लेकर मन को प्रसन्न करने वाली बन जाती है। कभी सुंदर जंगल से होकर बहती है तो वहाँ जो फूल फल हैं उनकी सुगंधि को ले आती है। हम कहते हैं बड़ी सुंदर हवा बह रही है, कितनी सुगंधित है। परंतु वो जिस जिसके ऊपर से बहती है उसके गुण को ले तो आती है, पर खुद उस गुण से युक्त नहीं होती, यानी वायु अलग ही रहती है उन चीजों से, है ना। ऐसे ही वायु जो है जंगल की आग को और भी दहका कर उस जंगल को ही जला डालती है, लेकिन तो भी वायु अपने स्वभाव को नहीं त्यागती है, स्वभाव बना रहता है, वो शुभ और अशुभ कार्यों में बिल्कुल निष्पक्ष बनी रहती है, किसी का पक्ष नहीं लेती है, किसी का भी पक्ष नहीं लेती है। तो ये जो गंध है ना, ये है पृथ्वी का गुण, पृथ्वी का, यानी कि पृथ्वी जो है उसमें अपने आप में एक स्वाभाविक गंध होती है, और उसके अंदर जो कुछ हम बोते हैं उसमें भी एक गंध निकलती है, फल की, पुष्प की, वृक्ष की, आहार की या अन्य किसी फसल की। तो विषय की सेवा करते हुए भी उसमें अनासक्ति, ये बाह्य वायु से अवधूत जी सीख रहे हैं, यानी जो बाह्य वायु यानी कि हवा बह रही है उससे सीख रहे हैं। कि कभी वो जल के संपर्क में आती है तो कभी अग्नि के संपर्क में आती है। जल के संपर्क में आती है, देखिए अगर कहीं बारिश हो रही होती है तो हम कहते हैं ठंडी ठंडी हवा को खा करके कि आहा कितनी अच्छी हवा चल रही है, हवा को खा के ऐसा लगता है, हवा को महसूस करके ऐसा लगता है कि कितना शीतल है ये हवा, बड़ी शीतल है, बड़ी ठंडी बयार है, है ना। पर हवा ठंडी क्यों हुई, वो तो गर्म थी ना दोपहर में, लेकिन अचानक बहुत बारिश हुई तो हवा ठंडी हो गई। लेकिन दिन में जब खूब सूर्य दहक रहा था तो हवा बहुत गर्म थी। लेकिन वस्तुतः देखा जाए हवा ना तो गर्म है और ना ही वो ठंडी है, ठंडेपन को लेकर के आई है, एक वातावरण के ठंडेपन को लेकर के चली और एक वातावरण के गर्मपन को लेकर के चली, वो अनासक्त है, वो किसी में मिलती नहीं है, ना वो जल में मिलती है और ना अग्नि में मिलती है। इसी तरह से जो समदर्शी भक्तगण हैं, समदर्शी योगी हैं, वो मनुष्य धर्म के गुरुत्व और लघुत्व के बीच में रह करके, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार में रह रहा है तो उसे कभी खुशी मिलेगी, कभी उसे दुख मिलेंगे, कभी वो ऊंचा उठेगा अपने क्षेत्र में, कभी उसे अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि हाँ भाई ये सब तो शरीर के कारण हो रहा है, ये शरीर का धर्म है, मैं इसमें क्यों फंसूं? अगर अपमान हुआ तो मेरा तो हुआ नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो कोई जानता नहीं है। सम्मान हुआ तो भी खुश होने की कोई बात नहीं है, वो भी तो मेरा कहां हुआ, मैं तो आत्मा हूं। तो बाहरी जो वायु है उसके निकट ये शिक्षा लेनी होती है अनासक्ति की। मिट्टी का धर्म है गंध, वो कभी सुगंधित होती है तो कहीं कहीं दुर्गंध होता है। तो उस गंध धर्म में मिलकर भी वायु जिस तरह से पृथक रहती है, इसी तरह से देह धर्म अहंकार आदि के संपर्क में आकर भी जो आत्मदर्शी भक्त लोग हैं वो उससे पृथक रहते हैं, है ना। अहंकार से आत्मा को अलग देखते हैं,
ये वायु के निकट शिक्षा ली गई अवधूत जी द्वारा कि देह का जो धर्म है, देह का जो अहंकार है, वो तो देही में ममता बुद्धि नहीं पैदा कराता, देह के संबंधियों में ममता बुद्धि पैदा कराता है, लेकिन हम तो देह है नहीं। जो ये बात जान गया वो बहुत आगे पहुंच गया, और अवधूत जी यानी कि दत्तात्रेय जी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और यही सिखा रहे हैं वो हमें अपने इस गुरु के बारे में बता के कि हमने वायु को गुरु माना। तो बहुत सुंदर कथा श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को, चर्चा जारी रखेंगे हम, सुनते रहिएगा समर्पण।